हेलो फ्रेंड्स, मैं शेख शाहिद आज आपको डी शटरिंग के बारे में बताऊंगा। डी शटरिंग ऑफ अ स्लैब अक्सर पूछा जाता है मुझसे, कैसे शटरिंग रिमूव किया जाता है, उसमें क्वेश्चंस आते हैं व्हेन एंड हाउ। तो चलिए हाउ तो बताते हैं, फिर व्हेन हम बताएंगे आपको इस वीडियो के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम अपने एक साइट पर आए हैं जहाँ पर डी शटरिंग का काम हो रहा है। स्लैब होके 21 डेज हो चुके हैं और हम लोग इसको डी शटरिंग कर रहे हैं, यानी कि शटरिंग का रिमूवल। कोरोना के कारण लेबर्स थोड़े कम हैं। ये देखिए, ये जो ग्रीन दिख रहा है ये एक्चुअली पॉलीथीन जो शीट डालते हैं ना, कि ताकि पानी मतलब स्लरी जो है लीक ना हो, तो ये वो दिख रहा है। ये देखिए बीम बॉटम लगा हुआ है। सबसे पहले जो है हम लोग बेस ओपन कर लेते हैं। बेस ओपन करने के बाद में जैसे देखिए शटरिंग्स सब नीचे उतार लेते हैं और उसके बाद में लास्ट में ये बीम को उतारते हैं। एक मिनट भैया। देखिए कैसे रिमूव हो रहा है। इसको लोकली इसको कोपला बोलते हैं, कोपला, जिसको कॉलर इंग्लिश में बोलते हैं। कॉलर लगाते हैं कॉलम, ताकि ये जो बीम है इस पर रेस्ट कर सके जो शटरिंग है। और ये इंस्ट्रूमेंट देखिए, ये एक MS का बार है। ये दिखाइए, ये नीचे बेंड दिखो, ये देखिए ऐसे बेंड रहता है ताकि ये हुक फंसा के, दिखाइए कैसे फंसाते हैं हुक। देखिए ऐसे हुक फंसा कर इसको ऐसे ओपन करते हैं तो ये शटरिंग खुल जाता है। ये नेल से इसको नीचे मारते हैं शुरू में, इसलिए निकालते वक्त थोड़ा दिक्कत रहता है। आप करिए जो कर रहे हैं। देखिए यहाँ का शटरिंग रिमूव होना बाकी है, तो एक बार शटरिंग रिमूव करते हैं। शटरिंग रिमूव करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेल्स को उसी समय निकाल लें। ये देखिए नेल्स निकाल रहे हैं यहाँ पे, करिए ये नेल्स को निकाल रहे हैं। ये नेल्स नहीं निकालेंगे तो ये शटरिंग दोबारा काम नहीं आएगा। तो नेल्स को निकाल करके पूरे एरिया को हम लोग डी शटरिंग कर देंगे। करने के बाद में फिर इसमें ये सारे पॉलीथीन को निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्लास्टर करना है। प्लास्टर करने एक्चुअली स्ट्रिपिंग टाइम 21 डेज, 14 डेज और 7 डेज IS में जो दिया हुआ है वो एक्चुअल में है। यहाँ पे तो नहीं प्रोसीजर हुआ है इस साइड पे। एक्चुअल में 7 डेज में आपको शटरिंग रिमूव करके ये जो सपोर्ट्स हैं, तो ये तो लकड़ी के सपोर्ट्स हैं। आपको यहाँ पे जैक वाला सपोर्ट दे देना है। कारण क्या है कि क्योंकि नीचे में क्यूरिंग नहीं हो पाता है। पानी ऊपर तो चल गया लेकिन नीचे नहीं क्यूरिंग हो पाया, तो क्यूरिंग को करने के लिए ये करना पड़ता है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, जब आप साइट में जाएंगे ये चीज़ों को बहुत ध्यान दें कि डी शटरिंग कब होना है। इसका डिटेल हम अभी आपको देंगे एक डेटा के थ्रू, कि IS का रेफरेंस भी देंगे कि डी शटरिंग कैसे होता है। तो आपको होप ये समझ आ गया होगा कि साइट पे कैसे डी शटरिंग होता है, तो और इसका नेल्स रिमूवल भी कैसे होता है, ये सब चीज़ें आपको पता चले। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट में हम दिखाते हैं कि शटरिंग टाइमिंग, डी शटरिंग टाइम कितना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम वर्टिकल टाइप ऑफ फॉर्मवर्क रिमूवल के बारे में सीधा IS 456-2000 का एक कटआउट दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए नंबर 1 पे जो दिखा रहा है वर्टिकल फॉर्मवर्क, यानी कॉलम, वॉल और बीम के साइड्स, इनको रिमूव करने के लिए 16 से 24 घंटे काफ़ी हैं कि ढलाई होने के बाद, कॉन्क्रीटिंग होने के बाद 16 से 24 घंटा हो जाए तो इसको खोल देना चाहिए। ये शटरिंग की बात कर रहे हैं वर्टिकल वाले। नंबर बी में जाते हैं सोफिट फॉर्मवर्क ऑफ ए स्लैब का सोफिट फॉर्मवर्क, जैसे कि ये देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन पे, ये स्लैब का सोफिट बोलते हैं। सोफिट यानी कि जो बॉटम है, उस सोफिट का जो शटरिंग है हमें 3 दिन में ही रिमूव करना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत जगह गलती होता है। 3 दिन में ही शटरिंग को रिमूव करना है, लेकिन उसके बाद देखिए क्या लिखा है, प्रॉप्स टू बी रीफिक्स इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल। ये क्यों होता है, प्रैक्टिकली क्या है, प्रॉप्स को वापस डाल देते हैं क्योंकि 3 दिन में
वो इतना टाइट हो जाता है, इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो गिरेगा नहीं। लेकिन अगर हम लोग छोड़ देंगे वो मास बन जाता है। कंक्रीट क्या है कि एक बार जब जुड़ जाता है तो वो एक बड़ा मास का रूप में ले लेता है, लेकिन लोड से वो गिरने का डर है इसलिए वापस हम लोग उसमें प्रॉप्स लगा देते हैं। अच्छा, ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमको नीचे से क्यूरिंग करना है। देयर इज अ हीट ऑफ हाइड्रेशन दैट इज हैपनिंग इन अंडरनीथ द कवर ऑफ द स्लैब ऑल्सो। जब हम लोग स्लैब को रिमूव कर देंगे, वो शटरिंग, वो प्लेट्स को रिमूव कर देंगे, तो वापस हम लोग उसमें क्यूरिंग कर पाएंगे। अब सी में चलते हैं, सोफिट ऑफ बीम। बीम का थिकनेस ज़्यादा रहता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। बीम का थिकनेस स्लैब 5 इंची 6 इंची का होता है, 7 इंची का होता है, लेकिन बीम जो है 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm का भी होता है। तो जितना ज़्यादा रहता है उतना अंदर उसको तैयार होने में, फिक्स होने में टाइम लगता है, उसको स्ट्रेंथ गेन करने में टाइम लगता है। इसीलिए जो है इसका सोफिट हम लोग 7 दिन के बाद ही रिमूव करते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए मैं इसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रॉप्स को वापस लगा देना है। जैसे ही शटरिंग निकल जाएगा, जैसे आज हमने ऊपर वीडियो में देखा था वो हुक से हम लोग कर रहे थे, उस चीज़ को वापस लगा देना पड़ेगा। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्या है सर? डी में देखते हैं, प्रॉप्स ऑफ द स्लैब। अच्छा, ये जो प्रॉप्स वापस हम सब लगा रहे हैं ये कब रिमूव करें? स्लैब का स्पैन, जो शॉर्टर स्पैन 4.5 मीटर से अगर कम है तक है, यानी 4.5 मीटर तक है, तो 7 दिन में आप रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए 3 दिन में हम लोग शटरिंग रिमूव कर रहे हैं, 7 दिन में प्रॉप्स रिमूव कर रहे हैं। कब? जब 4.5 मीटर के अंदर ही स्पैन रह जाता है। स्पैन क्या कहते हैं? जैसे देखिए ये स्लैब का डिस्टेंस है कॉलम के बीच बीच, इसमें एक तरफ अगर 4.5 मीटर, एक तरफ 5 मीटर कम वाले डिस्टेंस को लेना है, तो 4.5 मीटर वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है। तो डी का पार्ट टू में स्पैन अगर 4.5 से ऊपर हुआ तो आपको प्रॉप 14 दिन बाद ही हटाना है। अब ई में चलते हैं कि प्रॉप्स टू द बीम एंड आर्चेस, यानी आर्चेस, यानी कि देखिए जैसे आर्च बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे शटरिंग करके मसाला डालना पड़ता है। इस आर्च में या बीम में जो भी प्रॉप्स हम लोग वापस लगाते हैं, उस प्रॉप्स को वापस कब निकालना है? अगर स्पैन 6 मीटर तक है तो उसको 14 दिन तो रखना ही, मतलब मिनिमम आपको 14 डेज रखना है। इसका मतलब यही होता है, जब वो 6 मीटर से ऊपर चला जाता है तब आपको 21 दिन रखना है। यानी कि 7 दिन में आप बीम का सोफिट रिमूव कर रहे हैं या आर्च का सोफिट रिमूव कर रहे हैं, उसको मिनिमम तो 24 दिन रखना ही है, और अगर इस 6 मीटर से बड़ा हुआ तो 21 दिन रखना है। तो ये क्लियर हो गया आपको? ये स्लैब आपको साइड्स में ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी, देखना पड़ेगा आपको। ये अक्सर क्या होता है, लोग एक गलती कर देते हैं कि जो सोफिट का शटरिंग रिमूव करना छोड़ देते हैं, वो 21 दिन 28 दिन रख देते हैं। तो ये कारण है कि नीचे क्यूरिंग नहीं हो तो पाता, बाद में प्लास्टर करने के बाद वहाँ क्रैक्स आता है, ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, होप करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है। प्लीज़ अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ये वाइटल इन्फॉर्मेशन, और हमें कमेंट करके बताते जाइए कि और क्या, किन टॉपिक्स पर आप जानना चाहते हैं हमारे वीडियोज़, और वीक में 2-4-5 वीडियोज़ आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।